वेलकम बैक टू माय चैनल कैट कैम मेंटोर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा पावर मिल 2020 का 11वां लेसन है। आज के इस लेसन के अंदर हम पावर मिल की स्ट्रेटजी 3D एरिया क्लियरेंस के अंदर कॉर्नर क्लियरेंस इसको स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने मॉडल एरिया क्लियरेंस, मॉडल प्रोफाइल, मॉडल रेस्ट प्रोफाइल, प्लंज मिलिंग, हमने इन स्ट्रेटजीज़ को स्टडी किया है। तो आज हमारी जो टॉपिक है वो है कॉर्नर क्लियरेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल इंपोर्ट किया है पावर मिल के अंदर, कॉलिंग डॉट डी जी के नाम से। मॉडल्स के अंदर आकर आप मॉडल का नाम देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने इसका ब्लॉक कैलकुलेट करवा के और उसके बाद मैंने एक टूल पाथ जनरेट किया रफिंग का ऑफसेट एरिया क्लियरेंस से। टूल का डायमीटर जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, 16 मैंने रखा। जब मैंने इसके साथ रफिंग करवाई एंड मिल 16 के साथ, तो उसका व्यू कुछ इस तरह है। मैं आपको इसको सिमुलेट करके दिखाता हूँ। सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, व्यू मिल ऑन, और अब मैंने इसको रन किया। ये इसकी सिमुलेशन है। आप भी इजीली रन करके किसी भी टूल पाथ की सिमुलेशन को इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये सिमुलेशन हुई, तो सिमुलेशन के दौरान मैंने काफ़ी चीज़ें सेंस की कि किस किस जगह पर मुझे दोबारा से रीटूलिंग की ज़रूरत है, किस किस जगह पर मुझे मटेरियल की ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। जैसे मैं ये इसको अब ये देखिए, ये आपको कॉर्नर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मटेरियल अभी बाकी है। इसी तरह आप इस जगह पर भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा मटेरियल अभी बाकी है। इसी तरह इसके अंदर जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर भी मटेरियल काफ़ी ज़्यादा बाकी है। तो बजाय इसके कि मैं फिनिशिंग के अंदर जाऊँ और एक पूरे का पूरा टूल पाथ इसके अंदर जाऊँ जो शुरू से स्टार्ट होगा और एंड तक आएगा, और वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बजाय इसके कि मैं उस स्ट्रेटजी की तरफ जाऊँ, क्यों ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी मुझे मिले जो सिर्फ और सिर्फ रफिंग के अंदर रहते हुए इन कॉर्नर्स को क्लियर कर दे, ताकि मैं जब फिनिशिंग का प्रोग्राम चलाऊँ तो मेरा टूल डैमेज ना हो। क्योंकि फिनिशिंग के अंदर अगर उसको बहुत ज़्यादा मटेरियल यहाँ पर मिलेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो टूल है, बॉल नोज है या एंड मिल है, वो टूट जाए। तो हम जो एक्सेसिव मटेरियल है उसको रफिंग करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉर्नर क्लियरेंस। तो अब कॉर्नर क्लियरेंस का जो टूल पाथ है वो बनाना कैसे है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। तो उसके लिए आपको होम के अंदर आकर टूल पाथ के अंदर आना है और यहाँ से कॉर्नर क्लियरेंस इस टूल पाथ स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करके ओके करना है। तो ये हमारे पास कॉर्नर क्लियरेंस स्ट्रेटजी आ गई है। सबसे पहले तो हम इसके अंदर एक स्मॉलर डाई का टूल सिलेक्ट करेंगे, जो कि मैंने एंड मिल 8 के एंड मिल 8 से मैंने सिलेक्ट किया है, यानी उसका डायमीटर मैंने 8 रखा है। उसके बाद मशीन टूल लिमिट के अंदर आकर इसको हमेशा की तरह मैंने सेंटर में रखा कॉर्नर क्लियरेंस। अच्छा, अब इसके अंदर हमें मुख्तलिफ ऑप्शंस मिलती हैं। ये हॉरिजेंटल स्टिचेज हैं, स्टीप शैलो स्टीप एरिया। इसमें ये जो हमारा एरिया है ये स्टीप है, जो आपको स्लोप की तरह नज़र आ रहा है, और जो इसमें जो शैलो एरिया है ये स्टीप और शैलो एरिया इसमें मिक्स है। ठीक है, मैं अगर कोई दूसरा मॉडल हो तो उसके अंदर मैं इसको अच्छे तरीके से डिफाइन करूँगा। बहरहाल कमिंग लेक्चर के अंदर मैं इसको यकीनन एक अच्छे अंदाज में कोशिश करूंगा कि इसको समझाऊं, लेकिन बहरहाल अभी हमारा जो मकसद है वो कॉर्नर क्लियरेंस है। तो इसके अंदर हमें जो दीवारें नॉर्मली होती हैं, दीवार वॉल होती है जो, उसको स्टीप एरिया कहते हैं, और जो शैलो एरिया होता है जो थोड़ा सा टेढ़ा होता है उसको शैलो एरिया कहते हैं, ये भी शैलो एरिया के अंदर आता है। तो ये स्टीप एरिया के साथ और शैलो एरिया के साथ अलोंग अगर हम करेंगे तो ये उसके अलोंग ऊपर से लेके नीचे तक बिहेव करेगा। हॉरिजेंटल करेंगे तो ये उसके हॉरिजेंटली उसके साथ चलेगा। बहरहाल इसका बिहेवियर मैं अभी आपको बताता हूँ। अभी मैंने ऑप्शन सेलेक्ट की है इसकी हॉरिजेंटल स्टिचेस। तो स्टेप ओवर, मैं ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं स्टेप ओवर की, इसने थोड़ी सी विजुअलाइजेशन आपको बताई है कि स्टेप ओवर क्या है। ये एस स्टेप ओवर है और डी जो है वो डेप्थ ऑफ कट है। मैं स्टेप ओवर इसके अंदर रखता हूँ और डेप्थ ऑफ कट मैं इसके अंदर 2 रख देता हूँ, इसको भी मैं 2 कर देता हूँ। लॉन्ग पासिस
इसको भी मैं टू कर देता हूँ और डेप्थ ऑफ कट को भी टू कर देता हूँ। कट डायरेक्शन है नहीं, थिकनेस जो कि मैंने रफिंग के अंदर रखी थी वो मैंने अभी वही रखी है। कॉर्नर डिडक्शन, अब इसके अंदर आकर वो टूल पाथ सेलेक्ट करेंगे जो हमने रफिंग में इस्तेमाल किया था। मैंने रफिंग में एंड मिल 16 का जो है वो कटर इस्तेमाल किया था, तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। तो अब इसको कैलकुलेट करवाते हैं। तो ये अब कैलकुलेट होना शुरू हो गया है। नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं कॉर्नर क्लियरेंस का कोई भी टूल पाथ, चाहे वो फिनिशिंग का हो चाहे वो रफिंग का हो, वो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेता है। तो ये हमें इसका वेट करना पड़ेगा जब तक ये कंप्लीट नहीं करता। तो ये तकरीबन हमारा 63% कम्प्लीट हो चुका है। ये जो ग्रीन स्टेटस है इससे भी हमें पता लग सकता है कि हमारा जो टूल पाथ है ये कितना जनरेट हो गया और कितना रहता है। तो ये हमारा कॉर्नर क्लियरेंस का जो टूल पाथ है बन रहा है। तो ये देखिए, उसने जो हमारे कॉर्नर्स थे उनके अलोंग, सिर्फ उन्हीं के अलोंग देखिए उसने टूल पाथ बना दिया। अब मैं जब इसकी सिमुलेशन करूँगा तो अब आप ये देखिए यहाँ से, यानी ये जो एरिया जो मैं आपको माउस से दिखा रहा हूँ, ये भी एरिया उसे क्लियर होगा। ठीक है, ये एरिया सारा उसे क्लियर होगा। तो मैं सिमुलेट करता हूँ फ्रॉम स्टार्ट और रन करता हूँ। ये देखिए, ये एरिया जो कि हमारा बिगर टूल क्लियर नहीं कर सका था, हमारे स्मॉलर टूल ने उसको क्लियर कर दिया कॉर्नर क्लियरेंस की मदद से। अब आप ये देखिए कि इस जगह पर हमारा जो टूल है वो नहीं चला, तो यकीनन हमें टूल पाथ की जो सेटिंग है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए सेटिंग के अंदर आएंगे और इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद हमारे पास ये जो ऑप्शन थी हॉरिजेंटल स्टिचेस की, मैं इसको अलोंग पासिस कर देता हूँ। और इस तरह भी ये जो वर्टिकल जो है हमारे पास स्टिचेस, इसको भी मैं फिलहाल नहीं चेंज करता, पर इसको कैलकुलेट करवाते हैं। ये मैंने चूंकि आपको बताया है कि जो कॉर्नर क्लियरेंस के टूल पाथ होते हैं इनको थोड़ा सा टाइम लगता है, हमको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा जब भी आप इनको बनाएं, तो हौसले तहम्मुल और सब्र के साथ ही बनाएं। वो ये टाइम लेते हैं, इनको कैलकुलेशन करते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये देखिए, ये इस जगह से सीधा आया। अब इसको सिमुलेट में दोबारा करवाता हूँ। तो ये जो मटेरियल बच गया था ये भी उसने, ये देखिए ये भी उसने रिमूव कर दिया टूल पाथ के अंदर, इस टूल पाथ के अंदर, इसके अंदर भी देखें यहाँ से भी उसने रिमूव कर दिया। ठीक है, यानी जिस जिस एरिया जिन जिन कॉर्नर्स के ऊपर हमारा बिगर टूल नहीं जा सका, हम कॉर्नर क्लियरेंस की मदद से वहाँ पर रफिंग करवा सकते हैं। ये रफिंग करवाने का मकसद है एक तो टाइम सेव करना, और दूसरा ये है कि हमें रिलैक्स करना होता है हमारा जो इससे अगला टूल होता है, इससे अगला टूल हमारा फिनिशिंग का होगा। तो हम फिनिशिंग के टूल को ज़्यादा मटेरियल नहीं देना चाह रहे होते, हम एक्सेसिव मटेरियल जो है ज़्यादा मिकदार में जो मटेरियल है उसको रिमूव करके सबसे आखिर के ऊपर हम फिनिशिंग का टूल पाथ चलाते हैं, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल ना काटना पड़े और हमारी जो फिनिशिंग है वो अच्छी आ सके। तो इस वजह से हम कॉर्नर क्लियरेंस का टूल पाथ इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपका कॉर्नर क्लियरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। मैंने कोशिश तो पूरी की। तो बहरहाल अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। कमिंग लेक्चर के अंदर मैं उसका जवाब दूंगा, उसी जो कमिंग वीडियो होगी उसके अंदर आपके क्वेश्चन का मैं आंसर करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, एक नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।